हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो मेरी एक टीम ऑफ द टूर्नामेंट है एसबीएल पीएसएल की। जैसे कि आपको पता है एसबीएल पीएसएल 2019 अब ख़त्म हो चुका है। कन्ग्रेचुलेशन टू, सबसे पहले तो मैं कन्ग्रेचुलेशन कहूँगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम को उनकी कैप्टन सरफराज अहमद को और सारे प्लेयर्स को इसको, और अगले साल जैसे पूरी पीएसएल पाकिस्तान में हुई थी, होपफुली इंशाल्लाह ये होगा भी। अब बढ़ते हैं अपनी टीम ऑफ द ईयर की तरफ। सो मेरी टीम ऑफ द ईयर में मैं स्टार्ट करूंगा, 12th मैन भी रखूंगा। पहले स्टार्ट करूंगा अपने दो ओपनर से, चार ओवरसीज होंगे इसमें। मेरी टीम एसबीएल टीम ऑफ द ईयर के ओपनर होंगे शेन वॉटसन और बाबर आजम। जैसे पता है आपको, शेन वॉटसन इस पीएसएल के मोस्ट रन स्कोरर थे, काफ़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की और काफ़ी अच्छा खेला उन्होंने पूरे पीएसएल में। ऑब्वियसली वो ओपनर होंगे, उनके साथ बाबर आजम, बिकॉज ही डिजर्व दैट। फिर मेरे वन डाउन प्लेयर होंगे कराची किंग्स के लियम लिविंगस्टोन, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की, अपने आप को प्रूव किया एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे उनको कोई नहीं जानता था पहले। फिर टू डाउन होंगे मेरे वन एंड ओनली कराची किंग्स के कॉलिंग इंग्राम, द वन ऑफ द बेस्ट ओवरसीज प्लेयर्स इन व्हेन इट कम्स टू पावर हिटिंग एंड इनिंग्स बिल्डिंग इन पीएसएल। और नंबर फाइव काफ़ी मेरे लिए एक थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारी सोच करनी पड़ी इस पर और कॉल करनी पड़ी फिर फाइनली लेकिन मैं अपनी टीम में नंबर फाइव रखूँगा पीएसएल के विनिंग कैप्टन को, और वो मेरे विकेट कीपर भी होंगे, कैप्टन भी होंगे, द वन एंड ओनली सरफराज अहमद। फिर नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं, वो भी एक टफ बिटवीन आसिफ अली और उमर अकमल ने बहुत अच्छे परफॉर्म किया एस पी एस एल, एक कम बैक किया पाकिस्तान टीम में एस पी एस एल के, तो और अच्छे किया। और आसिफ अली ने भी हिटिंग करके दिखाई, मेरे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन मैंने अपनी टीम में आसिफ अली को सिलेक्ट किया बिकॉज ऑफ ही इज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेज और हमें हिट किया उन्होंने पी एस एल में, और हमें पावर हिटर भी चाहिए। उमर अकमल भी अच्छे थे, लेकिन अगर वो एंड में अपनी वो फॉर्म ले के चलते जो वो शुरू में आए थे, तो हो सकता है वो और अच्छा खेलते आसिफ अली से। फिर नंबर सेवन नीड अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, पिछले साल के मोस्ट विकेट टेकर और इस साल की भी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ पी एस एल, 19 से ज़्यादा विकेट नहीं, इन विच कराची किंग्स का बड़ी अच्छी बॉलिंग की, एक बैटिंग पिच है फहीम अशरफ, मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छे स्पेल था उनका। फहीम अशरफ इज़ माई नंबर सेवन इन पी एस एल टीम। नंबर एट और नंबर नाइन मुझे दो ऐसे फास्ट बॉलर चाहिए और हिटर्स चाहिए, प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए और वो चाहिए जो आग की ज़रूरत पड़ने पर कभी भी हिटिंग कर जाए। मेरे लिए बहुत आसान है जो पिक आई पिक पेशावर जनमी के वहाब रियाज एंड हसन अली। नंबर टेन की तरफ बने तो मेरे लास्ट ओवरसीज प्लेयर हैं इस प्लेइंग टीम ऑफ द ईयर में, नंबर एंड ओनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बेस में, नेपाल के लेग स्पिनर संदीप लमिचने। और फिर नंबर 11 है एमर्जिंग रह गए हमारे पास, नंबर 11 प्लेयर हैं मेरे कराची किंग्स के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइंड और इमर्जिंग प्लेयर्स इस साल के उमर खान, और जो मेरे 12th मैन होंगे वो भी इमर्जिंग प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जगह बनाई, इस सीरीज के बदौलत और अपने आप को प्रूव किया प्लेटफॉर्म पे कोटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसन। सो दैट्स माय एसबीएल पीएसएल 2019 टीम ऑफ द ईयर, व्हाट्स योर्स? थैंक यू।